Hello children, in this video you will get to know what is website and what are the different components of website. Website kya hoti hai aur uske kya components hain, okay? A group of related web pages that follow the same theme and are connected together with hyperlinks is called a website. To website kya hai? Website इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस. ठीक है, एक वेबसाइट क्या है? ग्रुप है. किसका? वेब पेजेस का ग्रुप है. ओके, और ये जितने भी वेब पेजेस एक पर्टिकुलर वेबसाइट में होते हैं वो क्या करते हैं? सेम थीम को फॉलो करते हैं. थीम मतलब सेम कॉन्सेप्ट को, सेम आइडिया को फॉलो करते हैं. ओके, एंड दीज वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक. और आप जितने भी एक वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं. ओके, इन अदर टर्म्स अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी एचटीएमएल फाइल्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर एंड दैट एग्जिस्ट ऑन द वेब अंडर द सेम डोमेन. ओके, तो इसका क्या मीनिंग है? वेबसाइट क्या है? कलेक्शन है. किसका? डिजिटल डॉक्यूमेंट का. डिजिटल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स. ओके, पेपरलेस डॉक्यूमेंट. ओके, एंड जो इसके वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं वो मोस्टली एचटीएमएल फाइल्स होती हैं, एंड दीज एचटीएमएल फाइल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द हाइपरलिंक. ओके, एंड देखो, एंड दैट एग्जिस्ट ऑन द वेब अंडर द सेम डोमेन. सेम डोमेन मीन्स अंडर द सेम सर्वर. डोमेन मीन्स सेम सर्वर, राइट? तो क्या है वेबसाइट? क्या है? कलेक्शन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट है. ठीक है, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हम प्राइमली किससे बनाते हैं? एचटीएमएल फाइल्स होती है जो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, और वेबसाइट हैज अ पर्टिकुलर नेम. ओके, एंड इट एग्जिस्ट ऑन द वेब, राइट? ओके, जैसे आप एग्जाम्पल लो, आप एक वेबसाइट का हम लेते हैं एग्जाम्पल. हमारे पास वेबसाइट है मीशो. मीशो क्या है? इस वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे तो जितने भी वेब पेजेस ओपन होंगे वो सेम थीम के होंगे. लाइक दे आर प्रोवाइडिंग यू गुड्स, राइट? योर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, क्लोथ्स एंड शूज एंड पर्सेस एंड ऑल दैट. ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन वन वन आइटम दैट गोस दैट टेक्स यू टू सम अदर वेब पेज एंड लाइक दिस. तो क्या होता है, जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ओके, और एक पर्टिकुलर वेबसाइट की थीम क्या होती है? सेम होती है. उसका कॉन्सेप्ट सेम होता है. जितने भी वेब पेजेस उसके अंदर होंगे उन सबका कॉन्सेप्ट सेम होगा, राइट? अ वेबसाइट डिस्प्लेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. यही चीज मैंने आपको बताई है कि वेबसाइट क्या करती है. वेबसाइट करती है कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो आपको इंफॉर्मेशन देती है. जितने भी वेब पेजेस होंगे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन देंगे, राइट? ईच वेबसाइट इज एक्सेस्ड बाय इट्स ओन एड्रेस नोन एज यूआरएल. और हम वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते हैं? वेब पर विद द हेल्प ऑफ इट्स एड्रेस. ठीक है, आपको पता है जितने भी वेब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है इंटरनेट पर वो किसकी हेल्प से एक्सेस करते हो आप? यूआरएल को. यूआरएल की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूआरएल क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस होता है. ओके, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? वेबसाइट को एक्सेस करते हो, राइट? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए, http://www.carwale.com इज अ वेबसाइट. तो यहाँ पे ये क्या है? ये हमने एड्रेस दिया है वेबसाइट का. वाइल http://www.carwale.com/new ये क्या है? वेब पेज. तो इस वेबसाइट के अंदर हमने एक न्यू न्यू नेम का एक वेब पेज आप एक्सेस कर रहे हो. तो यहाँ पे वेब पेज का नेम है न्यू. ओके, सो व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, राइट? एंड ऑल द वेब पेजेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द हाइपरलिंक. ओके, नाउ वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट. एक वेबसाइट में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? ओके, देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट्स एज फॉलोज. बहुत सारे होते हैं, उसमें से हम कुछ मेन करेंगे. सबसे पहले है आपका नेविगेशन. इट हेल्प्स यूजर इन इजिली नेविगेटिंग द कम्प्लीट साइट एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द सर्च इंजन टू गेट एन आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट. जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, ठीक है, उसका जो नेविगेशन होता है वो नेविगेशन हेल्प करता है यूजर को उसको सर्च करने में. कंप्लीट नेविगेशन मींस द यूजर कैन इजिली गो फ्रॉम वन वेब पेज टू द अनदर वेब पेज. ठीक है, इट हेल्प्स यूजर टू इजिली नेविगेटिंग द कंप्लीट साइट.
ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इजिली एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा सके, क्लिक करके, लिंक करके, ओके। एंड इट ऑल्सो हेल्प द सर्च इंजन टू गेट एन आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। और ये सर्च इंजन की भी हेल्प करता है, जिससे सर्च इंजन को पता चलता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, ओके, और उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। फाइन, नेक्स्ट इज वेब होस्टिंग। राइट, एवरी वेबसाइट हैज अ सेट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द बैक एंड व्हिच मेक्स द साइट पॉसिबल टू बी एक्सेसिबल बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड एंड दोज फाइल्स हैव टू बी स्टोर्ड समवेयर। फॉर दैट वेब होस्टिंग्स आर यूज्ड। अब वेब होस्टिंग होता क्या है? वेब होस्टिंग इज एन ऑनलाइन सर्विस दैट अलाउज यू टू पब्लिश योर वेबसाइट ओके ऑन द इंटरनेट। क्या है वेब होस्टिंग? ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिश करने के लिए। फाइन, सो एनीवन हु हैज एक्सेस टू द इंटरनेट हैज एक्सेस टू योर वेबसाइट। अगर आप पब्लिश करते हो अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे वेब होस्टिंग की हेल्प से, तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है? पब्लिक हो जाती है और कोई भी आपकी वेबसाइट को यूज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, जितने भी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ओके, फाइन, समझ आया व्हाट इज वेब होस्टिंग? ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है नेविगेशन, मींस आप इजली वेबसाइट को सर्च कर सको, उसके सारे पेजेस को क्या कर सको, गो थ्रू हो सको। वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट, वेब होस्टिंग होगी तभी पब्लिक होगी आपकी वेबसाइट, तभी इजली अवेलेबल होगी लोगों तक। ओके, और यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, एवरी वेबसाइट हैज अ सेट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द बैक एंड विच मेक्स द साइट पॉसिबल टू बी एक्सेसिबल बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड। मतलब जितनी वेबसाइट्स होती है उनकी बैक एंड में कुछ प्रोग्रामिंग होती है, कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं जो जो उनकी हेल्प करती है उस पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या करने के लिए, पब्लिश करने के लिए। ठीक है, एंड दोज फाइल्स आर हैव टू बी स्टोर्ड समवेयर। सो उन फाइल को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। फॉर दैट वेब होस्टिंग्स आर यूज्ड। और उन फाइल्स को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वेब होस्टिंग सर्विसेज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वेब होस्टिंग ये क्या कह रहा है, जितनी वेबसाइट्स होती हैं उनके बैकएंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो कहाँ स्टोर होती है, वो कहाँ पे स्टोर होती है, किसकी हेल्प से स्टोर होती है? वो वेब होस्टिंग की हेल्प से स्टोर होती है। फाइन, देन वी हैव द कंटेंट। ओके, कंटेंट जो वेबसाइट का कंटेंट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ वेबसाइट यू हैव। ब्लॉग्स विल रिक्वायर डिफरेंट कंटेंट देन सर्विसेज और बिजनेस वेबसाइट्स। ओके, तो ये कह रहा है कि कंटेंट किस पे डिपेंड करता है? कंटेंट डिपेंड करता है टाइप ऑफ वेबसाइट। ओके, जैसे ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स जो आप ब्लॉग्स वेबसाइट्स होती हैं उनका कंटेंट डिफरेंट होता है। सर्विसेज एंड बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं उनका कंटेंट डिफरेंट होता है। बट कंटेंट विल बी नीडेड फॉर एवरी वेबसाइट। लेकिन हर वेबसाइट में कंटेंट चाहिए, हर वेबसाइट का कंटेंट डिफरेंट होता है, बट हर वेबसाइट में क्या चाहिए? कंटेंट। ओके, पब्लिश यूनिक एंड रेलेवेंट कंटेंट एंड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू योर रीडर्स। तो ये क्या कहा जा रहा है कि यूनिक और रेलेवेंट कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें, मतलब पब्लिश करना चाहिए, एंड फोकस करना चाहिए कि आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, कंटेंट के थ्रू एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो अपने रीडर्स को। ठीक है, मतलब रीडर्स को पढ़ के आपका कंटेंट एक्सेस करके लगे कि हाँ दे हैव गॉट समथिंग, दे हैव अचीव समथिंग, ऐसा ना लगे कि आई हैव वेस्टेड माई टाइम ऑन दिस वेबसाइट। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वेबसाइट इज होम पेज। द फर्स्ट और मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। होम पेज क्या होता है? जो किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने होम पेज ही आप वेबसाइट का क्या है, अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो पीपल विल नॉट गो फॉर द फर्दर वेब पेजेस ऑफ द वेबसाइट। ओके, सो इट ऑल्सो मैटर्स द वट काइंड ऑफ होम पेज अ पर्टिकुलर वेबसाइट इज हैविंग। राइट, देन यू हैव एड्रेस। दिस इज द यूआरएल और एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, ये क्या है? वेबसाइट का कंपोनेंट है। क्या है? वेबसाइट का एड्रेस। ओके, दैट वी हैव डन ऑलरेडी इन आर प्रीवियस इन माय प्रीवियस वीडियो कि यूआरएल क्या होता है। ठीक है, देन वी हैव द वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है? इट इज अ वेबसाइट दैट कंटेन्स हाइपरलिंक्स टू मेनी अदर वेबसाइट। वेब पोर्टल भी क्या है? एक वेबसाइट है। ओके, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स दिए होते हैं। फाइन, ठीक है, क्या है? हाइपरलिंक्स कंटेन करती है बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स का। बाय क्लिकिंग अपॉन दीज लिंक्स द कॉरस्पॉन्डिंग वेबसाइट्स कैन बी ओपन्ड। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेब पोर्टल्स आर, जब आप इन हाइपरलिंक्स पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर
पहुंच जाते हो, उसको एक्सेस कर लेते हो। फाइन, तो वेब पोर्टल इज व्हाट? वेब पोर्टल इज अ वेबसाइट व्हिच कंटेन हाइपरलिंक्स टू मेनी अदर वेबसाइट्स। ओके, वेब पोर्टल एक वेबसाइट है जो दूसरी वेबसाइट्स के हाइपरलिंक को कंटेन करती है, राइट? और वेब पोर्टल के कुछ एग्जांपल है लाइक www.host.com, www.indiatimes.com। ठीक है, तो ये वेब पोर्टल, ऐसे बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं इन एक्सेसिंग द वेबसाइट्स। ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़।